हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन देखेंगे चौहान राजवंश। तो सबसे पहले चौहान राजवंश की उत्पत्ति के मत के बारे में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटे के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास में आए। तो चौहान राजवंश उत्पत्ति के मत क्या क्या हैं, किसने क्या दिया, वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर दशरथ शर्मा जो हैं, उन्होंने कहा है कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। प्रश्न आ जाए कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है, कथन किसने कहा है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, अब आगे अचलेश्वर शिलालेख में भी हमें चौहान राजवंश चंद्रीय वंशी है ऐसा जानकारी मिलती है। आगे आता है बिजोलिया शिलालेख, जिसके रचितिया हैं गुणभद्र, उसके लेखक कायस्थ केशव हैं। इस लेख में अजमेर व सांभर के चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस लेख के अनुसार सांभर जिले का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है। इस लेख के अनुसार सांभर जिले का निर्माण वासुदेव ने कराया, तो बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, नयन चंद्र सूरी व जयनाग भट्ट क्या कहते हैं कि चौहान राजवंश सूर्यवंशी है। चौहान राजवंश सूर्यवंशी है, क्या कथन किसका है, तो नयन चंद्र सूरी व जयनाग भट्ट का है। ठीक है, आगे आता है हर्षनाथ प्रशस्ति। अब इनके अनुसार चौहान राजवंश की उत्पत्ति अन्नत नगर सीकर से हुई है। किनके अनुसार चौहान राजवंश की उत्पत्ति अन्नत नगर सीकर से हुई है, तो हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार। यह प्रशस्ति विक्रमराज द्वितीय काल की है। अब आगे आते हैं हम्मीर महाकाव्य सृजन चरित्र। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य ने लिखा है और सृजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखा है। इन दोनों के अनुसार चौहान राजवंश की उत्पत्ति अन्नत नगर सीकर से होगी। ठीक है, अब दोस्तों ये शासक का क्रम है, शासक का क्रम किस तरह से चला वो है। जैसे कि वासुदेव चौहान आए, फिर सामंतराज, फिर जयराज, फिर विग्रहराज बथल, फिर चंद्रराज, गोविंदराज, दुर्लभराज, गुवक प्रथम, चंद्रराज द्वितीय, गुवक द्वितीय, चंदनराज, वाकपतिराज, विद्यराज, सिंधेराज, दुर्लभराज, गोविंद तृतीय, विग्रह तृतीय, वाकपति तृतीय। तो इस प्रकार से कुछ क्रम दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सांभर के चौहान। सांभर के चौहान के बारे में कि सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है और वासुदेव चौहान को आदि पुरुष भी कहा जाता है। अब इसकी स्थापना, इस राजवंश की स्थापना जो है 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इनका राज्य सांभर झील के आसपास होने के कारण सपादलक्ष है कहलाया। यहाँ की राजधानी जो है अहिछत्रपुर नागौर को बनाया इन्होंने। ठीक है, सांभर के चौहान के बारे में इतना ही। आगे देखते हैं विक्रमराज तृतीय के काल की बात है। वहाँ पृथ्वीराज प्रथम सांभर का राजा, पृथ्वीराज प्रथम का बेटा अजयराज यह सांभर से अजमेर आया और विक्रमराज तृतीय का बेटा वाक पृथ्वीराज द्वितीय, इसके बेटे लक्ष्मण ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना की। वर्णन पढ़ते हैं अजमेर के चौहान में अजयराज जो पृथ्वीराज प्रथम का बेटा है, यह अजयराज इसने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया। इसने अजय मेरु दुर्ग का बनवाया तथा चौहान राजवंश की स्थापना की। अजयराज है, इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया और अजय मेरे दुर्ग बनाया तथा चौहान राजवंश की स्थापना की है। इसने अजयराज व अजय देव नाम के सिक्के भी चलाए हैं। इसने अजयराज व अजय देव नाम के सिक्के भी चलाए हैं। कहाँ पर चलाए थे, अजमेर में। इसकी रानी सोमलेखा ने स्वयं के नाम के सिक्के चलाए। ठीक है,
दोस्तों ये हमने कुछ राजस्थान का नक्शा बनाया है। वहाँ पर बीच में अजमेर दुर्ग को राजस्थान का दुर्ग भी कहा जाता है, राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है, गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़ भी कहा जाता है, या पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार ने बनाया था। अब इसकी पत्नी ने दुर्ग की मरम्मत करवाई थी, इसलिए यह तारागढ़ दुर्ग कहलाया। ठीक है, यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह भी स्थित है, कहाँ पर? अजमेर दुर्ग में। और यह मीरान साहब मीर सैयद हुसैन खिगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ मात्र एक घोड़े की मज़ार भी स्थित है। ठीक है, तो अजमेर दुर्ग के बारे में कुछ पॉइंट थे। इसकी राजस्थान का दुर्ग, राजपूताने की कुंजी कहा जाता है, गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है, तारागढ़ भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अरुणोराज का काल, अरुणोराज या अनाजी भी इनको कहते हैं। तो अरुणोराज 1133 ईस्वी में अजमेर के शासक बनते हैं। अरुणोराज कब शासक बनते हैं? तो 1133 ईस्वी में अजमेर के शासक बनते हैं। अरुणोराज ने तुर्कों को पराजित किया है। अरुणोराज ने किसको पराजित किया है? तुर्कों को पराजित किया है। अब आगे क्या होता है कि युद्ध वाले स्थान को शुद्ध करने के लिए इन्होंने अनासागर जल का निर्माण कराया। अब इस जल में दो नदियों का पानी आता है, चंद्रा नदी व बाड़ी नदी का पानी आता है। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलतबाग का निर्माण करवाया, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बना है बहुत बार कि किस झील के किनारे जहांगीर ने दौलतबाग का निर्माण कराया है? तो अनासागर झील के। यह प्रश्न यू पी आ सकता है कि दौलतबाग का निर्माण कहाँ पे करवाया गया या उसके अन्य नाम क्या है। तो प्रश्न कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। इस तो अपन को ये लाइनें याद रखनी है। यहाँ पर शाहजहाँ ने बारादरी का निर्माण भी करवाया है। यहाँ पर नूरजहाँ की माँ अस्मिता बेगम ने गुलाब के इत्र का निर्माण भी करवाया है। और अनाज जी ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अनाज जी ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, अब अनाज जी की हत्या उनके बेटे जगदेव ने की है, जो कि चौहान राजवंश का पितृहंता कहलाएगा। प्रश्न आ सकता है कि चौहान राजवंश का पितृहंता कौन कहलाया? तो उनके बेटे जगदेव का नाम अपन को याद रखना है। ठीक है, आगे आता है जय सिंह सिद्धराज का काल 1134 ईस्वी में। वो आक्रमण करते हैं, किस पे करते हैं? अरुणराज पर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जय सिंह सिद्धराज पराजित हो जाते हैं और अरुणराज विजय हो जाते हैं। तो जय सिंह सिद्धराज जो होते हैं अपनी पुत्री कांचल देवी का विवाह अरुणराज से कर देते हैं। और 1144 ईस्वी में उनका युद्ध होता है चालुक्य शासक कुमारपाल से। तो कुमारपाल विजय हो जाते हैं, तो अरुणराज जी क्या करते हैं कि अपनी बेटी जलहन का विवाह चालुक्य शासक कुमारपाल से कर देते हैं। दोस्तों ये घटना कैसे हुई? देखो वहां पर अपन ने देखा कि चालुक्य शासक कुमारपाल, ये इन चालुक्य अरुणराज और चालुक्य शासक कुमारपाल के बीच में युद्ध क्यों हुआ 1144 ईस्वी में। चालुक्य शासक कुमारपाल है, उसकी बहन का नाम क्या है? देवलदे। उसकी शादी अरुणराज से पहले ही हो चुकी है। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे हमने लिखा है चौपट। तो अरुणराज जी और बहन जो है ये देवलदे, दोनों क्या खेल रहे थे? चौपट खेल रहे थे, खेल होता चौपट खेल रहे थे। तो बातों ही बातों में क्या होता है कि जो देवलदे है हंसी मजाक में करती है
और अरुणा रस भी हंसी मजाक करते हैं, तो बातों ही बातों में युद्ध छेड़ने जैसी बात हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण चालुक्य शासक कुमारपाल जो देवलदेव का भाई है अरुणराज से युद्ध कर लेता है। तो इस युद्ध में क्या होता है कि जो चालुक्य शासक है कुमारपाल वो तो विजय हो जाता है और अरुणराज पराजित हो जाते हैं। तो संबंध आगे बनाए रखने के लिए अरुणराज ने बेटी जलाना का विवाह चालुक्य शासक कुमारपाल से कर दिया। अब अरुणराज के एक और पत्नी है मारवाड़ में सुधवा बाई, इसके तीन पुत्र हैं और एक बेटी है, बिसलदेव, देवदत्त, जगदेव, ये तीन पुत्र हैं और जलन बेटी है। तो जलन का विवाह चालुक्य शासक कुमारपाल से किया है इन्होंने। वो आगे आते हैं विग्रहराज चतुर्थ का काल, या इन्हें बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। 1153 ईस्वी में अजमेर का शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। कब शासक बनता है? 1153 ईस्वी में अजमेर का शासक बनता है। इनको उपाधि कवि बांधव की दी है और कटी बांधव की दी है। यह विद्वानों को आश्रय देने वाला होता है। अब विग्रहराज चतुर्थ ने उनका साहित्यिक जीवन देखा तो इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की है, कवि भारवी के ग्रंथ कीरार्तुर्जनियम पर आधारित है। विग्रहराज चतुर्थ का काल स्वर्ण काल कहलाया है। प्रश्न आ सकता है कि किसका काल स्वर्ण काल कहलाया है, तो विग्रहराज चतुर्थ का काल स्वर्ण काल कहलाया है। अब इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? सोमदेव था, इन पे ग्रंथ भी लिखा हुआ, ललित विग्रहराज सोमदेव ने। इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी व बिसल देवी के प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन किया हुआ है। दूसरा है नरपति नारह ने लिखा है बिसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। इसमें लिखा है कि उड़ीसा की राजकुमारी राजमती के साथ प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। टोंक बिसलपुर कस्बा व सागर बनवाया, किसने बनवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने आगे अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाता है, जो पृथ्वीराज तृतीय के समय इस पाठशाला में 85 प्रकार के विषयों का अध्ययन किया जाता था। पृथ्वीराज तृतीय के समय में इस पाठशाला में 85 प्रकार के विषयों का अध्ययन किया जाता था। आगे क्या होता है कि संस्कृत पाठशाला जो अजमेर में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़वा दिया था और यहाँ पे इससे तोड़वा कर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। जो अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण किया, यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। मस्जिद यहाँ पर पंजाब संत शाह अली की याद में 2.5 दिन का झोपड़ा उर्स लगता है। इसके वास्तुकार जो है हेरत अबू वक्र है। विग्रहराज चतुर्थ ने जबालीपुर का नाम बदलकर ज्वालापुर कर दिया। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में तोमर वंश को भी पराजित किया है। इसने अमीर शाह गजनी शासक को भी पराजित किया। दिल्ली का शिवालिक स्तंभ विग्रहराज चतुर्थ के समय ही उत्कीर्ण किया गया है। यह शिलालेख हरियाणा के टापरा गांव से प्राप्त हुआ है। कौन सा शिलालेख हरियाणा के टापरा से प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली का शिवालिक स्तंभ विग्रहराज चतुर्थ के समय ही उत्कीर्ण किया, जो शिलालेख हरियाणा के टापरा गांव से प्राप्त हुआ है। विग्रहराज ने अपने दरबारी विद्वान धर्मघोष के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध को निषेध घोषित कर दिया गया था। किसके कहने पर? दरबारी विद्वान धर्मघोष के कहने पर पशुवध को निषेध कर दिया। कब किया? एकादशी के दिन पे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। किसको पट लें? चलो इतना देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है। आगे कुछ आता है अजयराज के बेटे हैं अरुणराज और एक होते हैं विग्रहराज, और अरुणराज का बेटा है
वृहस्पति चतुर्थ, ठीक है। तो अर्णोराज की हत्या जगदेव ने कर दी थी, ये अपने पहले देख लिया। अब जगदेव का जो बेटा है पृथ्वीराज द्वितीय है, और पृथ्वीराज जो होता है निसंतान ही मारा जाता है। अब आगे विग्रहराज चतुर्थ जो होता है उसका बेटा अपर गांगे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विग्रह जो जगदेव का बेटा पृथ्वीराज द्वितीय है जो अपर गंगा पे आक्रमण कर देता है, तो जो अपर गंगा होता है वो उसकी हत्या हो जाती है। तो वहां पे आगे शासक कौन बन जाता है? पृथ्वीराज द्वितीय। अब अर्णोराज की तीन पत्नी है दोस्तों, देवल देवी, कांचल देवी और सुधवा देवी। तो देवल देवी का जो बेटा है पृथ्वीराज प्रथम बनता है, और कांचल देवी का जो बेटा है सोमेश्वर है। सोमेश्वर का ननिहाल का जो सोमेश्वर होता है उसका जीवन यहाँ पर ननिहाल में ही गुजरता है। और सुधवा देवी से जो का जो बेटा है बिचल देव है, ठीक है। तो आगे चले जो पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात आगे सोमेश्वर शासक बनता है। तो विग्रहराज के में के बाद में अपर गंगा शासक बना। जगदेव के बेटे पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गंगा की हत्या कर दी थी तथा स्वयं अजमेर का शासक बन गया। और आगे पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान ही मृत्यु हो जाती है, कोई संतान नहीं रहती है। तब अर्णोराज व कांचल देवी का पुत्र सोमेश्वर अजमेर का शासक बनता है, ठीक है। आगे देखेंगे पृथ्वीराज चौहान नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।